Hello friends, welcome you in YouTube channel by Deepika Chavan in easy home recipe. आज आपको मूला की झुनका बनाने की विधि बताते हैं. उसके लिए हमने एक मूला लिया, दो प्याज, 1 टीस्पून हरवा मिर्ची का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, हिंग 1/4 टीस्पून लिया, जीरा और इस हरबुरा के दाल को हम इस तरह रवा किया है. वो मूला हमने इससे घिसा है और उसमें इस चने का दाल का रवा हमने उसे मिक्स कर 10 मिनट रखा है. हमने अब तेल 1 टेबलस्पून लेंगे. एक मूला है उसके लिए हम चने का दाल का रवा 1/2 कप लेंगे. याद रखिए उस मूला को घीस कर ही ये रवा लगा कर 10 मिनट रखना. और उसमें मसाला हमने कोतमीर 1/2 टेबलस्पून, 3 लहसुन के फाक, जीरा हम इस तरह मसाला कूट कर रखा है. अब उस मूला में मिक्स करेंगे जो हमने रवा मूला है उसमें. अब उसमें जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून है. स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे. उस गरम तेल में हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे. उसके बाद हिंग 1/4 टीस्पून डालेंगे. उसके बाद कटे हुए प्याज, हरवा मिर्ची का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर 2 मिनट पका. अब उसमें मूला और रवा मिक्स मसाला अब उस पके हुए प्याज में डालेंगे जो हमने 2 मिनट प्याज को पकाया है धीमी आंच पर. अभी इसको भी धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएंगे. हमारा मूला का झुमका अच्छी तरह 5 मिनट पका है. अब खाने के लिए रेडी है. देखिए आपका मूला का झुमका रेडी है. उसके साथ चपाती, घी डालकर खाइए. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस. थैंक यू बाय दीपिका चवान इन ईजी होम रेसिपी एंड इन मम्स मैजिक. थैंक यू वेरी मच.